तो डिज़ाइनर हो, अच्छा बनना चाहते हो और मॉकअप के बारे में नहीं जानते। पीएचडी मॉकअप, सबसे पहले ये जान लो मॉकअप का मतलब क्या होता है। वैसे तो अगर मैं समझाऊं तो मॉकअप को मेकअप समझ लो। मेकअप? अरे मैडम जी, 3 दिन पहले जो शादी हुई थी उस लड़की का मेकअप आपने किया था? हाँ जी, हाँ जी, मैंने किया था। तो ये लो मेरी तरफ से आईफोन। ओ वाओ, 15 प्रो मैक्स। सेम यही फील हुआ था मुझे 3 दिन पहले। मेकअप तो जानते हो ना, चलो मॉकअप का ही मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पे गूगल पे मैंने इंग्लिश टू हिंदी सर्च कर दिया और गूगल से बोला भाई मॉकअप को ट्रांसलेट कर दे हिंदी में। तो आपको दिख रहा है ना क्या लिखा है? नकली। जी हाँ, मेकअप यानी नकली। यानी मॉकअप ये होता है कि अगर आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे हो तो उसको नकली, नकली नहीं बल्कि नकली यानी वो असली में कैसा दिखने वाला है वो नकली। प्रिंट के बाद वो कैसा दिखेगा या जहाँ भी उसे लगाया जाएगा तो वो कैसा दिखेगा वो कस्टमर को दिखाओ। क्योंकि सिंपल सा डिज़ाइन जो बना के अगर कस्टमर को भेजोगे ना, हो सकता है कि वो कस्टमर को पसंद ना आए, लेकिन प्रिंट के बाद वो कैसा दिखेगा अगर वो पहले ही दिखा दो तो कस्टमर को पसंद आ जाएगा। और प्रिंट के बाद जब दिखेगा तो पहले कैसे दिखाओगे, उसके लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल होता है उसे ही हम बोलते हैं मॉकअप्स। ये पीएचडी मॉकअप होता है जिसे डिज़ाइन करने के बाद फोटोशॉप में ले जा करके और सिर्फ एक क्लिक में रख के और इंटर करोगे तुरंत वो अप्लाई हो जाएगा उस मॉकअप पे, पहले से ही दिखने लगेगा। जैसा यहाँ पे कुछ सिंपल है मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा डिटेल में भी बात करेंगे लेकिन पहले देख लेते हैं। अगर मान लो कोई टी शर्ट का डिज़ाइन बना रहे हो तो टी शर्ट के डिज़ाइन पे क्या होता है, कोई लोगो होता है, कोई फोटो पिक्चर होता है। तो यहाँ पे देखो ये मॉकअप लिखा हुआ है, आप सिर्फ वो लिख के कस्टमर को दिखाओगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उसे एक टी शर्ट पे रख के दिखा दो फिर वो कस्टमर को पसंद आने लगेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसी तरीके से इसके बगल में ये देखो 3 4, ये सिर्फ लोगो के डिज़ाइन है। यानी लोगो, लोगो में सिर्फ नाम तो ही लिखा होता है, थोड़ा बहुत उसमें क्रिएटिविटी दिखाई जाती है। वो बना के कस्टमर को दिखाओगे तो कस्टमर बोलेगा नहीं कुछ और दिखाओ, कुछ और दिखाओ, कुछ और दिखाओ। तो इससे अच्छा है तो कस्टमर से पहले खुद ही मांग लो रेफरेंस कि उसे कैसा चाहिए, या फिर बनाने के बाद उसे मॉकअप पे डाल के दिखाओ कि प्रिंट पे जब एम्बोस प्रिंटिंग होगी तो तुम्हारा डिज़ाइन, तुम्हारा लोगो ऐसा दिखेगा। लैपटॉप में अगर वेबसाइट वगैरह पे डालोगे तो ऐसा दिखेगा। दीवार पे प्रिंट कराओगे तो तुम्हारा जो भी लोगो है वो कुछ ऐसा दिखेगा। और इसको करने के लिए फ़ोटोशॉप का मॉकअप यूज़ होता है, जैसा कि नीचे देख भी सकते हो मॉकअप पीएचडी, यानी ये फ़ोटोशॉप में होता है। डिज़ाइन आप किसी भी कलर में बनाओ और उसको फ़ोटोशॉप में ले जाके सिर्फ एक क्लिक में क्लिक करोगे वो तुरंत इस पे अप्लाई हो जाएगा। कैसे करना है मैंने वीडियो बनाया है, देख लेना। और एक और वीडियो भी देता हूँ पूरा डिटेल, मैंने उसमें मॉकअप के बारे में बात की है। लेकिन मॉकअप पे क्या क्या यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में ज़रा और रिसर्च करते हैं। सिर्फ लोगो और टी शर्ट डिज़ाइन को ही मॉकअप पे नहीं दिखा सकते। ये देखो अगर कोई हैंडबिल या फिर फ्लायर या कोई भी पेपर A4 साइज़ का पेपर पे डिज़ाइन किए हो तो उसको कुछ इस तरीके से दिखा सकते हो। किताब वगैरह बना रहे हो तो उसका मॉकअप यहाँ पे लगा सकते हो। इस पे किताब का जो बुक कवर है ऊपर का डिज़ाइन कवर का, वो इसे दिखा सकते हो इस मॉकअप को इस्तेमाल करके। ऐसे ही कोई बॉक्स, स्वीट बॉक्स वगैरह, मिठाई का डिब्बा वगैरह का डिज़ाइन बना रहे हो तो यहाँ पे देखो एक मॉकअप है, इस पे लगा के उसको दिखा दो। 3D वाला, इसका भी मैंने वीडियो बनाया था कि 3D में कैसे दिखा सकते हो तो वो कस्टमर को और ज़्यादा पसंद आएगा। 3D के लिए आप पैकडोरा वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हो, वहाँ पे मेरा कूपन कोड TR50 या TR20 डाल देना, 50% या 20% आप मिल जाएगा। ट्राई कर लेना दोनों में से कौन सा काम कर रहा है। फिर इसके नीचे थोड़ा सा और नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो अगर कोई बैनर या पोस्टर तुमको दिखाना है जो दीवार पे लगाने वाला है तो कुछ इस तरीके का मॉकअप लगा के दिखा दो, वो और ज़्यादा अच्छा दिखने लगेगा। साथ ही साथ अगर कोई पैकेजिंग डिज़ाइन कर रहे हो कुरकुरे पैकेट, नमकीन बिस्कुट वगैरह का, तो ये देखो इस तरीके से मॉकअप अप्लाई कर दो। सिर्फ सिंपल भेजो और इस तरीके से भेजो, देखो दोनों में कितना डिफरेंट है। अगर किसी स्टिकर का डिज़ाइन कर रहे हो तो ये मॉकअप लगा देना। ये सब मैंने अभी गूगल में ओपन किया है, लेकिन गूगल से भी आप इसकी वेबसाइट पे जाके ये पीएचडी डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो नीचे वेबसाइट का नाम होता है, वेबसाइट का नाम है मॉकअप डिज़ाइन। ऊपर आपने जितना भी देखा ये देखो फ्री पिक का था, और मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि फ्री पिक से आप कैसे डाउनलोड करोगे। बिल्कुल आसानी के साथ फ्री पिक पे जाओ, पीएचडी पे फिल्टर में पीएचडी पे क्लिक कर देना, फ्री पे क्लिक कर देना, जितना भी फ्री होगा आ जाएगा, डाउनलोड करो, फोटोशॉप में ओपन करो और एडिट कर लो। वीडियो में अभी दूंगा लास्ट में, आप चाहो तो ट्यूटोरियल बेस्ड वीडियो है वो देख सकते हो, लेकिन अभी ट्यूटोरियल नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए वीडियो है। थोड़ा सा और नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो अगर कोई आपको डिज़ाइन का पैकेज वगैरह देना है तो इस तरीके का बॉक्स बना के मॉकअप आप डाल सकते हो। जो टी शर्ट वाला था ये देखो यहाँ पे कितना अच्छा टी शर्ट का मॉकअप है, ऊपर तो बिल्कुल सिंपल सा था लेकिन यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का मॉकअप आपको दिख जाएगा। कैन वगैरह की डिज़ाइन बना रहे हो कुछ इस तरीके से तो इस पे भी मॉकअप को अप्लाई कर सकते हो। स्टिकर का है तो ये देखो यहाँ पे स्टिकर लगा सकते हो। विजिटिंग कार्ड बना रहे हो तो उसके लिए इस मॉकअप का इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे ये मॉकअप है, ये नीचे भी विजिटिंग कार्ड का मॉकअप है, और एक ही डिज़ाइन में विजिटिंग कार्ड, लोगो और उसका बिल बुक, हेड
बिल बुक, लेटर पैड ये सब बना रहे हो, कलम वगैरह, आईडी कार्ड वगैरह बना रहे हो, तो ये देखो ये मार्कअप ले सकते हो। सब का सब एक ही पे अप्लाई हो जाएगा। ये लोगों के लिए खास होता है कि ये लोगों को दिखाया जाता है कि आपका लोगो विजिटिंग कार्ड पे कैसा लगेगा, आईडी कार्ड पे कैसा लगेगा, लेटर हेड पे कैसा लगेगा, ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो कुल मिला जुला के यहाँ पे समझ गए कि मॉकअप क्या होता है। ये देखो विजिटिंग कार्ड को कुछ इस तरीके से दिखा सकते हो कि कस्टमर अपने डेस्क पे रखा रहेगा तो कुछ ऐसा उसका विजिटिंग कार्ड दिखेगा। सिंपल दिखाने से अच्छा है कि मॉकअप अप्लाई करके उसके बाद कस्टमर को दिखाओ, तो आपके डिज़ाइन में जान आ जाएगी और कस्टमर तुरंत उसे पसंद कर लेगा। तो इस वीडियो में बताना यही था कि मॉकअप क्या होता है। मॉकअप समझ गए, जैसा कि गूगल बाबा ने बोला कि नकली, और मैंने आपको बता दिया मेकअप, यानी पहले से उस पर मेकअप कर दिया जाता है ताकि वो और खूबसूरत दिखने लगे। अब बहुत ही डिटेल में और अच्छे से जानना चाहते हो कि मॉकअप क्या होता है, तो गूगल में ही सर्च कर लेना PhD मॉकअप क्या होता है, हिंदी में सर्च करना। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो मेरा वीडियो आ जाएगा यूट्यूब का, TR बहादुरपुर वाला, और 8 मिनट का वीडियो है पूरा। डिटेल में इसे देख के समझ लेना, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।